Student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 2 from trade to territory. The company established power. अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि किस तरह से जो ब्रिटिश कंपनी है वह कैसे इंडिया में आई, क्या क्या उसका मिशन था. सबसे पहले उनका मिशन था ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, पूरब में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. ठीक है, वास्को डी गामा थे वो सबसे पहले जो सी वे से वह इंडिया में आए थे और वह एक पुर्तगाली थे. ये हमने पढ़ा. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्रेड है वो बंगाल में किस तरह से स्थापित किया था. फिर हमने इसमें फरमान पढ़ा था, वर्ड आया था फरमान. फरमान का मीनिंग होता है रॉयल एडिक्ट, ए रॉयल ऑर्डर, मतलब एक रॉयल ऑर्डर, शासन का जो किसी राजा का ऑर्डर. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, जब ट्रेड है व्यापार हुआ युद्ध में कैसे बदला, ये इसमें हमने पढ़ा. कि फिर पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, पढ़ी हमने प्लासी की बैटल हुई. फिर बक्सर, बक्सर की बैटल हुई. ठीक है, पपेट में फिर उसके बाद कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, जो कंपनी थे वो ऑफिशियल रूप से ऑफिशियल अफसर के बजाय वह क्या है, वो यहाँ के इंडिया में आके नवाब, वह अपने आप को ही नवाब उन्होंने बना दिया था. फिर उसके बाद कंपनी रूल एक्सपेंड, मतलब कंपनी का जो शासन है वह किस तरह से एक्सपेंड हुआ, फैलाया गया, उन्होंने अपना शासन कैसे फैलाया. बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी, 1761 में प्लेसी की बैटल हुई थी. ठीक है, फिर टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा, जो मैसूर के एक फेमस शासक थे. टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच क्या है, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी. फिर हमने वॉर विद मराठास के बारे में पढ़ा, मराठास के किस तरह उन्होंने मराठा को अपने कंट्रोल में किया. द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी के बारे में पढ़ा कि विलय की नीति क्या थी, नहीं सर्वोच्चता का दावा किया उन्होंने. फिर इसके बाद हमने पढ़ा सब्सिडायरी के, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति पढ़ा. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब न्यू नए शासन की, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, उसके न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से उन्होंने स्थापना की थी. वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785 वाज वन ऑफ द मैनी इम्पोर्टेंट फिगर्स हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास. ब्रिटिश टेरिटरीज वर broadly divided into administrative units called presidency. There were three presidencies, Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head to the administration was the governor general. Warren Hastings, the first governor general, introduced several administrative reforms notably in the sphere of justice. क्या था, जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वह 1773 से 1785 के बीच यहाँ पर रहे. और जो हेस्टिंग है वह क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, प्रेजिडेंसी के वह फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे. और वह इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जो जिन्होंने यहाँ पर अपने पावर को फैलाने में क्या अपना इम्पोर्टेंस रोल अदा किए थे. और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम तक आते आते जो कंपनी ने क्या कर लिया था, ना केवल बंगाल बल्कि बम्बई और जो मद्रास प्रेजिडेंसी है वहाँ पर भी अपने सत्ता यानी कि पावर कंट्रोल उनके ऊपर भी कर चुकी थी. और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर क्या होते थे, प्रशासकीय
जो इकाइयां उसमें बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई। वारेन हेस्टिंग ने कई जो एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे उन्होंने क्या किए, रिफॉर्म्स, सुधार किए, और न्याय के क्षेत्र में क्या है, उसके सुधार खास तौर पर क्या थे, जो न्याय स्पेयर वो नोटेबली थे, बहुत उल्लेखनीय थे। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट्स, ए क्रिमिनल कोर्ट्स, फौजदारी अदालत, एंड सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। मौलिफ्स एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द क्वाजी एंड ए मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। क्या था कि 1772 में क्या हुआ, जो जस्टिस की एक क्या है, न्यू सिस्टम को, नए तरीके को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया। और यह है जो सिस्टम था, इसमें क्या था, इसमें प्रोविज़न दिया गया था, प्रावधान किया गया था कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर दो कोर्ट बनाए जाएंगे। एक होगा हमारा क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट, और दूसरा होगा दीवानी कोर्ट, हम सिविल कोर्ट। जो दीवानी कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, के जो मुखिया है, चीफ है, वह यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की क्या करते थे, व्याख्या करते थे। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स अदालतें अभी भी क्या है, जो कोर्ट थे, वह भी काजी और मुफ्ती के ही अकॉर्डिंग थे, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। क्वाजी ए जज, क्वाजी होता है एक जज, और मुफ्ती ए जुरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द क्वाजी वुड एडमिनिस्ट्रेटेड। मतलब मुफ्ती एक मुस्लिम समुदाय का एक क्या होता था, न्यायवादी, जो लॉ की क्या करता था, उसको क्या करता था, वह व्याख्या करता था उसको। और काजी इसी व्याख्या के आधार पर जो जज होता था, वह क्या है, अपना मामला सुनाता था, जो उसका व्याख्या के आधार पर क्या करता था, वह फैसले डिसाइड करता था कि क्या सही है क्या गलत है। देखो इस तरह से अदालतें लगती थी। ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र टू ब्रिंग अबाउट। अनफॉर्चुनेटली इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपेल ए डिगेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हेलेड Translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefits of European judges. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established. While a court of appeal, the Sardar Nizamat अदालत वाज आल्सो सेट अप द कलकत्ता। फिर क्या हुआ इसमें कि एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि ब्राह्मण जो पंडित, वह धर्मशास्त्र की अलग अलग जो पार्ट्स की क्या करते थे, वह व्याख्या इस हिसाब से स्थानीय जो लॉज है उसको अलग अलग, वह उसको क्या करते थे, इंट्रोड्यूस करवाते थे, व्याख्या करते थे, और इस विभिन्नता को ख़त्म करके उसमें समरूपता लाने के लिए 1775 में क्या हुआ, 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का, मतलब एक इंडियन लॉ का एक पूरा लेखा जोखा तैयार करने का काम सौंपा गया। और एन बी हॉल हेड ने इस संकलन को क्या, जो एन बी हॉल हेड थे, उन्होंने इसको
जो उन्होंने कानूनों का लेखा जोखा तैयार किया था, फाइल बनाई, उसका उन्होंने क्या है इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिया। और 1778 तक यूरोपियन जो जज थे उनके लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक क्या बना दी गई, फाइल बना दी गई, संहिता तैयार कर ली गई थी। और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट की क्या कर दी, स्थापना कर दी। इसके अलावा कलकत्ता में क्या है अपीलीय कोर्ट और सदर निजामत अदालत भी की भी स्थापना की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर एज द टाइटल सजेस्ट हिज मैन जॉब वाज टू कलेक्ट रिवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज पुलिस ऑफिसर एंड दरोगाज हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोगॉन दैट स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। और क्या हुआ था, जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट थे, भारत के जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर सबसे बड़ा क्या होता था, पोस्ट होती थी, जैसा कि नाम से ही, इसके नाम से हमें पता चलता है कि उसका मुख्य काम क्या है, कलेक्टर यानी कि कर को, जो टैक्सेज है उसको इकट्ठा करना, रिवेन्यू को कलेक्ट करना। और जो न्यायाधीश, जो जज है, पुलिस अधिकारी है, वह दरोगा की हेल्प से जिले में जो लॉज की सिस्टम को, लॉ सिस्टम को बनाए रखना होता था। और उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट जो सत्ता संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को क्या कर दिया था, हाशिए पर, मतलब उसको समाप्त करने की ओर उसने भेज दिया था। द कंपनी आर्मी, अब हम कंपनी की आर्मी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी की फौज कौन कैसी थी। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। द मुगल आर्मी वॉज मैनली कंपोज ऑफ इलेवरी सवार्स ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल फुट सोल्जर। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्करी तीर अंदाजी एंड द यूज ऑफ द सॉर्ड। द क्लेवरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। क्या था, कंपनी के साथ क्या था, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें जो सुधार किया गया था, नए विचार तो आए, लेकिन क्या है, उनकी जो असली सत्ता क्या थी, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, उनकी आर्मी थी। मुगल जो फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले घुड़सवार थे, जो घोड़े की सवारी करके प्रशिक्षित किए जाते हैं, और पैदल सेना थी, उन्हें क्या है तीरंदाजी और तलवारबाजी का क्या ज़्यादा था ट्रेनिंग दी जाती थी। और सेना में सवारों का क्या होता था, जो घुड़सवार थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर ट्रेनर वाली पैदल सेना की नीड महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में क्या है, सशस्त्र किसानों के जो पीजेंट्स हैं उनकी बड़ी संख्या थी, और स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर क्या है पैदल सिपाही क्या देते थे, उनको भेज देते थे। इट चेंज ओकर्ड इन द 18th सेंचुरी व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग दैम एज प्रोफेशनल सोल्जर। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्ट द सेम मैथड्स वैन इट बिगैन रिक्रूटमेंट
फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। और 18th century में क्या हुआ, जब अवध और बनारस जैसी जो प्रेजिडेंसी थी या डायनेस्टी रियासतों में क्या है, जो पीजेंट्स को भर्ती करके उन्हें क्या है पेशेवर, मतलब उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें क्या है सैनिक बना दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए जो भर्ती की जो प्रोसेस उसको शुरू की, तो उसने भी यही जो आइडिया था उसको अपना लिया। और अंग्रेज़ अपनी सेना को क्या कहते थे, जो उनकी सेना में होते थे उनको सिपाही, जो भारतीय वर्ड सिपाही से बना है आर्मी कहते थे। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s द क्लेवरी requirements of the company's army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma. Afghanistan and Egypt were soldiers were armed with muskets and matchlocks. The soldier of the company army had to keep pace with changing military requirements and its इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। और क्या हुआ, जो 1820 में क्या हुआ दशक में, जैसे जैसे जो वॉर की न्यू टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी वो चेंज होने लगी, कंपनी की सेना में जो घुड़सवार टुकड़ियों की क्या है जो सवार थे घुड़सवारी करते थे उनकी नीड कम होती गई। और इस कारण से क्या हुआ कि ब्रिटिश जो साम्राज्य वो बर्मा अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट होता है ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर, जो तोड़ेदार बंदूक जिसका मस्केट एक गन होती है, हैवी गन होती है जो सिपाही यूज करते हैं, और मैचलॉक एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्निटेड बाय ए मैच, मतलब शुरुआती दौर की बंदूक, स्टार्टिंग में जो बंदूक बनाई जिसमें बारूद को क्या है माचिस से की चिंगारी दी जाती थी और उसके द्वारा चलाया जाता था। और मस्केट जो पैदल चलने वाले सिपाही होते थे वह यूज करते थे इस गन को। सवार होता है मैन ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्स की सवारी करने वाला, तो क्या हुआ होते थे। और कंपनी की जो आर्मी है, आर्मी के जो सिपाही थे वह बदलती जो सैनिक की नीड है, चेंजिंग सैनिक नीड्स को क्या है ध्यान में रखना पड़ता था, जब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही थी। इन अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड discipline that regulated their life far more than before. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldier. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldier and not as members of communities? What did the sipahi feel? How did they react to the change in their lives and their identity? That is their sense of who they were. The revolt of 1857 gave us a glimpse into the world of the sipahi. You will read about दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5। क्या हुआ कि 19th century के स्टार्टिंग में अंग्रेज एक क्या हो गया था समरूप सैनिक कल्चर को क्या है वे डेवलप कर रहा था, कि उनके जो
आर्मी होगी उसकी अलग से यूनिफॉर्म वगैरह इस सब को डेवलप करा था, और सिपाहियों को यूरोपियन ढंग से जैसे यूरोप के सिपाहियों को ट्रेन किया जाता था उसका अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। और जब उनका जो उन पहले से भी ज़्यादा क्या हो गया कंट्रोल में हो गया, तो उन्होंने ये ट्राई भी उन्होंने कोशिश की, कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी उनकी जो कोशिश में क्या है जो उन्होंने ट्राई किया था उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती थी, क्योंकि जो ट्रेंड सिपाही होते हैं सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय मतलब उनमें कास्ट और ग्रुपिज्म की जो इमोशन है भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, और भला लोग अपनी जो कास्टिज्म और रिलीजन भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, क्या वह खुद को अपने ग्रुप से कम्युनिटी से सदस्य मानने के बजाय सिर्फ एक सिपाही मान सकते थे, कैसा हो सकता था, और जो सिपाही हुए किस तरह कैसा फील करते थे, उनके जीवन और उनकी पहचान यानी उनका वह कौन है इस बात का उन्हें जब एहसास जो चेंज आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा, यह सब हम क्या है जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसमें सिपाहियों की इस दुनिया की एक झलक दिखाता है। इसको हम चैप्टर नंबर 5 में इसको डीपली पढ़ेंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या है चैप्टर का इसको देखते हैं। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। द अरिवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आल्सो एडेड दिस प्रोसेस। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। स्टीम फिश रिड्यूस्ड द जर्नी टाइम टू 3 weeks एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर एंड देयर फैमिलीज टू कम टू ए फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 30% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्बाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर द इट्स कंट्रोल। क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो ट्रेडिंग कंपनी से बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है टेरिटोरियल कॉलोनियल ट्रांसफॉर्म होगी किसमें ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल भौगोलिक उपनिवेश कॉलोनियल की शक्ति बन गई। और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में नई जो टेक्नोलॉजी भाप इंजन की स्टीम इंजन के आने से यह जो प्रोसेस हुआ क्या है इसमें और ज़्यादा तेज हो गई इंक्रीज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 माह का टाइम लग जाता था, और भाप इंजन जब चला तो उसके जहाज़ों ने इसकी यात्रा में क्या है 3 weeks में ही टाइम इसको मतलब अब क्या है भाप इंजन के द्वारा जो यूरोपियन कंपनी वो भी यहाँ पे क्या है 3 weeks के अंदर ही आ सकती थी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार क्या है भारत जैसे दूर देश में बहुत ज़्यादा आने लगे, और 1857 तक जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का क्या हो गया था रूल हो गया था शासन हो गया था, और देश के शेष भूभाग और आबादी पर अब कंपनी का अप्रत्यक्ष इन्फ्लुएंस इफेक्ट पड़ रहा था। इस प्रकार जो व्यवहारिक स्तर है पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टेब्लिश्ड योर पावर कंपनी ने किस तरह से अपनी शक्ति को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया, ठीक है इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके साथ आपका 2nd चैप्टर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल।